क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो बिहार में जगह है, नालंदा हुआ, अपने बोध गया, वैशाली, गुरु गोविंद सिंह जी की बोध प्लेस है, ये सब चीजें कुछ सालों में किन्हीं कारणवश बिहार एक टूरिज्म में पिछड़ गया, क्योंकि टूरिज्म की वजह से नहीं, बिहार की एक कुछ स्थिति ऐसी थी। लेकिन अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। मेरा ये मानना है कि जिस तरह का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में बिहार का टूरिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड ओवर इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये आपकी जो एक छोटी सी कोशिश है, इसको आप लोग जारी रखें, क्योंकि जितना आप लोग प्रोएक्टिव होंगे एज फार एज बिहार इज कंसर्न, बिहार को लोग कुछ समय से थोड़ा लोग नेगेटिविटी में जाते हैं, टूरिज्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो आपकी पहल है ये सराहनीय है और इसको आप कंटिन्यू करें। और मैं तो इतना कहूँगा कि राजस्थान में जो आपने ये पहल करी है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा। धन्यवाद। थैंक्स राजीव जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री अजय जी को।